परमिंदर हम कहेंगे पीछे दिखाएं, ये ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भागे हैं कि लाल बत्ती है उसके बाद भी जाइए। ये देखिए सामने इशारा कर रहे हैं क्योंकि पीछे रिया की गाड़ी है, इसलिए इशारा करते हुए ट्रैफिक लाइट को आप आराम से रोकिएगा ड्राइवर साहब, क्योंकि हम लोग अगर रास्ता बदलता है, ऑफिस बदलता है तो हमें दिखाना होगा। और ये देखिए रिया की गाड़ी पीछे पीछे आज तक चल रहा है यहाँ पे। चलिए सीधा चलिए भैया चलिए, ये देखिए रिया की गाड़ी, परमिंदर दिखाइए, रिया की गाड़ी जा रही है, अखबार लगा हुआ है और हम डिस्टेंस बनाए रखेंगे क्योंकि जिम्मेदारी से भी कवरेज करना है। पुलिस की गाड़ी के पीछे अब लगा लीजिए हमारी गाड़ी जा रही है, ध्यान से कवरेज करना है क्योंकि आप देखिए लगातार तीसरे दिन भी रिया निकल चुकी है, अंधेरी की तरफ रास्ता दिखा रहा है। सीधा अभी हम लोग जुहू तारा रोड पे है, काफी ट्रैफिक का रास्ता है और काफी क्योंकि आज मंगलवार है काफी ट्रैफिक है, पर यहाँ पे मुंबई पुलिस की गाड़ी आप देखिए चल रही है, उसके पीछे हमारी गाड़ी और लगातार तीन दिन से रिया इसी तरह से अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठ के निकल रही है। और हालांकि कई पत्रकार उनकी गाड़ी पे माइक मार रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिम्मेदारी से कवरेज करें। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुंबई पुलिस की गाड़ी रिया की गाड़ी को फॉलो कर रही है और कोशिश हम पूरी करेंगे कि पीछे पीछे हम ये ट्रैक करें कि रिया क्या वाकई में एनसीबी दफ्तर जा रही है या कोई और अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, अनप्लान्ड अनशेड्यूल्ड लोकेशन रिया को ले जाते हैं। ये देखिए सामने आगे पुलिस की एक गाड़ी है, पीछे एक और गाड़ी है। भैया कौन सा इलाका है ये? सांता क्रूज इलाका, सांता क्रूज का इलाका है और लगातार आप देखिए तो 19 किलोमीटर का फासला है। अगर रिया वाकई में एनसीबी के दफ्तर जाती है तो 19 किलोमीटर का फासला होगा, ध्यान से हमको चलना होगा, आप ज्यादा तेज मत करें। काफी तेज जा रही है उनकी गाड़ी सांता क्रूज इलाके से होते हुए जू तारा रोड से हम लोग निकले हैं, मुंबई सेंट्रल से होते हुए, हाजी अली होते हुए, मरीन ड्राइव से एनसीबी के दफ्तर, बलार्ड स्टेट रिया रोज पहुंच रही थी, लेकिन आज जाएंगे कि नहीं चित्रा ये देखना होगा। आज तक सारी कवरेज सटीक और सीधे आपको दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि गाड़ी जो है वो काफी तेज जा रही है और आज तक की यही कोशिश है कि जो इस जैसे जैसे इस पूरे मामले में जो नए मोड़ आ रहे हैं उनको हम लोग रिपोर्ट करें। नहीं, हम हाउंड नहीं करेंगे रिया को, हम उनका पीछा नहीं करेंगे क्योंकि कानून का ये तकाजा है, जब तक आप दोषी नहीं है तब तक आप बेकसूर हैं और किसी को आरोपी घोषित करना, किसी को हाउंड करना ये सही नहीं है। ठीक है, गाड़ी उनकी जरूर है। ठीक है ठीक है, मौसमी मैं फौरन आ रही हूँ। लगातार काफी तेज रफ्तार से यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कई जगह पर अब रेड लाइट है, इस वजह से वहां पर रुकना पड़ा है, लेकिन तेज रफ्तार से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहाँ पर मूव करती हुई आगे। सादी वर्दी में एक पुलिस की गाड़ी चल रही है और उसके ठीक आगे टीयूवी है जिसमें सादी वर्दी में यानी कि यूनिफॉर्म में पुलिसकर्मी नहीं है और उसके ठीक पीछे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है जो कि यूनिफॉर्म में है, जो लगातार उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या एनसीबी दफ्तर ही लेकर जाया जाएगा या फिर आज लोकेशन चेंज की जा सकती है क्योंकि एनसीबी दफ्तर में कोविड का मामला सामने आया है। इस वजह से हो सकता है कि एनसीबी रणनीति के तहत उनको किसी और जगह लेकर जाए, जैसा कि हमारी संवाददाता मौसमी और लगातार आशुतोष आपको जानकारी दे रहे हैं, अरविंद भी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही दिवेश हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के पास चलेंगे। लेकिन आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और माना यह जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती आज दिन की शुरुआत देर से कर सकती हैं क्योंकि बीते रात 12 बजे तक वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद रही और वहां पर सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर कराई, साथ ही उस डॉक्टर के खिलाफ भी एफआईआर कराई है जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया था उनकी बहन को, जिसके आधार पर दवाइयां ली थी सुशांत सिंह राजपूत ने। पूरी की पूरी जो चैट थी वो आज तक लगातार आप तक पहुंचाता रहा है, दिखाता रहा है, उसी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई और आज एक बार फिर से सुबह सुबह जल्दी शुरुआत यहां पर रिया चक्रवर्ती की हो चुकी है और लगातार उनकी गाड़ी काफी तेजी से आगे बढ़ी है। हालांकि इस वक्त ट्रैफिक का ये समय होता है, काफी भीड़भाड़ भी है कई इलाकों से, जिन इलाकों से गुजरती हुई रिया चक्रवर्ती, कई जगहों पर मार्केट एरिया है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, लोग सुबह सुबह वहां पर भारी तादाद में आते हैं, लेकिन तेजी से यहां पर मुंबई पुलिस लेकर जाती हुई, अगर वो एनसीबी दफ्तर जाती है तो आधे घंटे से 35 मिनट का वक्त जिस हिसाब से उनकी गाड़ी यहां पर जितनी तेज रफ्तार से चल रही है उसके लिहाज से लग सकते हैं। एनसीबी दफ्तर में आज तीसरा दिन है, पहले दिन आपको याद होगा एनसीबी दफ्तर में किस तरह से रिया चक्रवर्ती से
पूरे 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। पहले दिन वो 12 बजे पहुंची थी, यानी कि दिन की शुरुआत देर से हुई थी। 12 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचती है, पूछताछ शुरू होती है, उसके बाद 6:15 बजे शाम को रिया चक्रवर्ती बाहर निकलती है एनसीबी दफ्तर से। दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूरे 8 घंटे तक पूछताछ होती है। और आज ये तीसरा दिन काफी तेज रफ्तार से मैं चाहूंगी पवन आगे की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। मौसमी आप सीधे आपका रुख करते हुए कहां पहुंचे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, हम लोग भी पीछे पीछे हैं, किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? मौसमी जी आप किस इलाके पे पहुंचे? हम खार, रिया की गाड़ी खार में पहुंची है और अब देखिए रिया के साथ जो पुलिस की कैवलकेड है वो हमें नजर आ रही है। सांता क्रूज मोबाइल 3 लिखा हुआ है। हालांकि पुलिस बाकी गाड़ियों को कह रही है कि आसपास ना आए, पर खार इलाके में पहुंच गए हैं और सांता क्रूज होते हुए अब खार पहुंचे हैं। लगभग आपको बता दें कि 19 किलोमीटर का फासला है रिया के घर से एनसीबी के दफ्तर। और यहां पे आप देखिए जैसे ही ग्रीन लाइट हुई है तो फिर गाड़ी जो है वो चल पड़ी है। और कुल मिला के अगर आप देखिए तो रिया लगातार जब निकलती हैं तो उनके क्योंकि गाड़ी के ऊपर फिल्म लगी रहती है, अखबार लगा रहता है तो ज्यादा नजर नहीं आता, पर फोन पे बातचीत करती रहती हैं, अक्सर कोऑर्डिनेट करती रहती हैं। जाहिर तौर पे काफी ग्रिलिंग सेशन होता होगा और जो सवाल जवाब है उनके उनको किस तरह से क्या पेश करना है, क्योंकि लगातार जो बयान है आरोपियों के उसको लेके सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर अलग अलग स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज का दिन तीनों दिन में सबसे ज्यादा क्रूशियल इसलिए क्योंकि आज आमने सामने रिया को बाकी आरोपियों के सामने रखा जाएगा। क्या वो क्या बोलते हैं और रिया क्या बोलती हैं, क्या मेल खाता है या नहीं मेल खाता है, क्या एनसीबी को कोई सुराग मिलता है जिससे रिया भी एक मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक मुख्य आरोपी के तौर पर ही एनसीबी देख रही है। 59 ग्राम रिया के भाई के जरिए 59 ग्राम जो है ड्रग्स की बरामदगी हुई थी और उसके बाद जब बरामद किए गए उसके बाद से ही ये मामला और तूल उसने पकड़ लिया। लगातार धरपकड़ भी हो रही है। और देखिए आप कि यहाँ पे आप कौन से इलाके में हम लोग भैया? ये डांडा लिंकन रोड पे आ गए बांद्रा में। यहाँ से आप निकलेंगे वर्ली सी लिंक भी नजर आएगा और यहाँ पे आप देखिए पुलिस की वैन उधर नजर आ रही है। हालांकि मीडिया की तमाम गाड़ियां हैं, परमिंदर आप सड़क पर विजुअल दिखाएं, ऊपर दिख रहा है साइन एयरपोर्ट का रास्ता, ये लिंकन रोड है, काफी पॉश इलाके में रिया रहती हैं और ये इलाका भी काफी पॉश माना जाता है। लगातार जिस रफ्तार से उनकी गाड़ी जा रही है, याद है चित्रा सबसे पहले दिन जब एनसीबी की टीम बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास।